इग्नू ने जारी कर दी है UMF यानी 2021 के एग्जामिनेशंस जिसमें होंगे उन सभी के लिए एक नया नियम UMF जारी कर दिया गया है। आखिर क्या है ये UMF? और अगर आपने इसका पालन नहीं किया तो मैं बता दूं, आप सबका रिजल्ट और आप सबके एग्जामिनेशंस को यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा। आप एग्जामिनेशंस तो दे देंगे, लेकिन बस एक छोटी सी भूल के वजह से आपने जितने भी पेपर लिखे हैं उन सभी पेपर का एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो रोने से बचिए, आप सबकी मेहनत पानी ना फिर जाए, इसलिए महज बस 5 मिनट का समय निकाल कर इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, वरना आप सबकी मेहनत तो वैसे भी पानी में फिर जाएगी। दोस्तों, अगर चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज से जुड़ जाइए और सारी अपडेट लेटेस्ट सिर्फ यहीं पाइए। चलिए बात करते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नई गाइडलाइन आई है और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप अपनी री रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। एग्जामिनेशंस के बारे में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका असाइनमेंट, असाइनमेंट में सबमिट ज़रूर कर ले। आप अपने हॉल टिकट को कहाँ से डाउनलोड करेंगे इसके बारे में आपको यहाँ से मैं बताऊँगी कि कैसे आप अपनी हॉल टिकट को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले इग्नू की तरफ से जो यहाँ गाइडलाइन निकल के आई है उसके लिए हॉल टिकट का इशू, सबसे पहले 2021 के हॉल टिकट के इशू के बारे में आपको बताते हैं। हॉल टिकट कहाँ से डाउनलोड करना है उसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन आपको मिली गई, चलिए फिर एक दफ़ा अच्छे से आपको इस पे बता देते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए लिंक पे जाइए, लिंक के साथ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है इनरोलमेंट नंबर डालिए, उसके साथ अपना प्रोग्राम को सिलेक्ट कीजिए। जितने भी इग्नू में प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट टू PhD कोर्स जितने भी है सबके यहीं पे है कोड, तो आप अपने प्रोग्राम कोड को चूज़ कीजिए, सबमिट का बटन प्रेस कीजिए और फिर आपका हॉल टिकट आपके सामने। हॉल टिकट में आपका नाम, आपकी प्रोफाइल ज़रूर से ज़रूर चेक करें और हाँ, आपके एग्जामिनेशन सेंटर का कोड चेक करना ना भूलें, क्योंकि उसी कोड पे आपको जाना है एग्जामिनेशंस देने। चलिए बात करते हैं जो इन्फॉर्मेशन है हॉल टिकट का इशू। टर्म इन परीक्षा शुरू होने से लगभग 7 से 10 दिन पहले हॉल टिकट विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर डाउनलोड किया जाएगा, ठीक है, 8 से 10 दिन पहले। हॉल टिकट का प्रिंट आउट ले ले और हॉल टिकट पर जितने भी उल्लेखित हैं दिन और परीक्षा केंद्र के पते पर रिपोर्ट करें। अगली चीज़ है परीक्षा हॉल में प्रवेश वैध हॉल टिकट और विश्वविद्यालय पहचान पत्र आधार पर कड़ाई से होगा। यहाँ पे आप सबको इम्पोर्टेंट बात है कि आपके पास अगर आपकी ID प्रूफ नहीं है, आपको ज़रूरी है कि आप अपने इग्नू के पहचान पत्र यानी आपकी आइडेंटिटी कार्ड ज़रूर साथ लेके जाएं। अगर आपके पास नहीं है तो एडमिट कार्ड के साथ आप अपना एक पहचान पत्र यानी आपका आधार कार्ड जिसमें आपके नाम, पता, सब सारी चीज़ें मेंशन होती है, एड्रेस वगैरह, वो चीज़ ज़रूर लेके जाएं। आधार कार्ड सबसे मोस्ट कॉमन चीज कॉमनली है जो यूज़ होता है एज आइडेंटिटी प्रूफ, लेकिन आप इसके साथ साथ अपने ड्राइविंग लाइसेंस और इसी के साथ ये तो आपको बता दूं कि आप अपनी जो है कोई और आईडी प्रूफ जैसे कि आपके वोटर आईडी कार्ड वगैरह जो भी आईडी प्रूफ है जिस पर आपको नाम, पता, जन्मतिथि वगैरह सब कुछ हो वो चीज़ ज़रूर लेके जाएं। ये बात का ध्यान ज़रूर रखें क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ले जाना भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके कॉलेज के यानी आपकी यूनिवर्सिटी की जो आईडी कार्ड है उसी से आपको एंट्री मिल जाएगी। आप अपने साथ एक पहचान पत्र ज़रूर लेके जाएं। परीक्षा हॉल में वेबसाइट पर हॉल टिकट को अपडेट होने के बाद हॉल टिकट में जोड़ने की दिशा में अनुरोध के मामले में मनोरंजन नहीं किया जाएगा। यानी कहने की बात है कि अगर हॉल टिकट आपके वेबसाइट पर होने के बाद आपको उसमें कुछ चेंजेस अगर चाहिए जैसे कि आपका रीजनल सेंटर या फिर आपका स्टडी सेंटर या फिर एवरीथिंग आपका जो भी इसमें चेंजेस करने होते हैं नाम, पता वगैरह, वो चीज़ें नहीं आपकी बदल सकती इंस्टेंटली, ठीक है, तो आप ये चीज़ ज़रूर से फिलअप करें। लेकिन अगर मिस्टेक हो गई है, गलती आ गई है आपकी, कुछ इशू है कि आपका एडमिट कार्ड में गलत नाम प्रिंट हो गया, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं सुधारने के लिए। वो उसके लिए 7 से 10 दिन का समय आपके पास है, उसी बीच में इग्नू के द्वारा कहा जाता है कि अगर आप अपना सुधारना चाहते हो तो सुधार लो वरना आपको एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बता दूं कि यहाँ पे आप सबके लिए UFM, अब हम बात करते हैं UMF के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं, संपर्क करने के लिए ईमेल आईडी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सभी चीज़ों के लिए इग्नू में अलग अलग ईमेल आईडी है, आपके एग्जामिनेशन से लेकर आपके ग्रेड कार्ड सबके लिए अलग अलग यहाँ पे ईमेल आईडी है।
सबसे इम्पोर्टेंट है नियंत्रक नंबर, कंट्रोल नंबर की प्राप्ति या परीक्षा फॉर्म की स्थिति के बारे में किसी भी प्रश्न के लिए इस ईमेल पर या फिर फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि ईमेल आईडी है term.end.exam@igno.ac.in, या फोन नंबर पर संपर्क करें जो कि आपका ये है 011-2957-2209। ये नंबर आपको जल्दी नहीं मिलेगा तो ज़रूर इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल छात्रों को वेबसाइट पर दिए गए परीक्षा फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आवश्यक है, जो कि वेबसाइट पर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए उपलब्ध है, और भारत में जारी किए गए विदेशी छात्रों द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय डेटा के अनुसार प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है, जो इन छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। आप सबको बता दो, जो इंटरनेशनल कैंडिडेट है ना, जो वो फॉर्म भरते हैं, वो सभी के लिए नहीं होते टर्म एंड एग्जामिनेशन का फॉर्म, आपके लिए अलग से फॉर्म होता है। और यदि आपको कुछ संपर्क करना है इंटरनेशनल कैंडिडेट को, तो इंटरनेशनल डिवीज़न पे आप इस ईमेल आईडी पे आप जाके अपने इश्यूज़ यहाँ पे सेंड कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। छात्र ये भी नोट करें कि अनुपयोगी अप्रत्याशित परिस्थिति के कारण परीक्षा केंद्र के अंतिम समय में बदलाव की संभावना हो सकती है, विश्वविद्यालय अपने अनुसार परीक्षा केंद्र बदल सकता है। आपने जो एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ किया है, ज़रूरी नहीं, हो सकता है उस एग्जामिनेशन सेंटर के बजाय आपको किसी और एग्जामिनेशन सेंटर में परीक्षा देनी पड़े। इसका कारण सिंपली बस इतना सा है कि एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल नहीं होने के कारण, या फिर उस एग्जामिनेशन सेंटर में जो कैपेसिटी है कैंडिडेट की, उससे ज़्यादा ही नंबर आपको जब आ जाते हैं तो कैंडिडेट को बदल दिया जाता है, नियरेस्ट कोई अगला रीजनल सेंटर दे दिया जाता है। इसलिए अपने एडमिट कार्ड में अपना रीजनल सेंटर ज़रूर से कंफर्म करें। अब हम बात करते हैं UFM क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वरना आप जेल भी जा सकते हो। UMF यानी अनफेयर मीन्स, यानी अनफेयर होगा मीन्स का, यानी UMF का उपयोग करना, यानी अनफेयर मीन्स UMF। पूरे परीक्षा काल में किसी भी प्रकार के UNFAIR यानी अनफेयर मीन्स UFM का उपयोग करने में मामले में दोषी पाए जाने पर विश्वविद्यालय को इग्नू अधिनियम के सभी पाठ्यक्रम स्टेटस के परिणाम को रद्द करने या वापस लेने का अधिकार है। अब UMF का अधिकार इग्नू के पास है, आपका परिणाम वो वापस ले सकता है, आपका परीक्षा परिणाम वो रद्द कर सकता है। परीक्षा की पवित्रता बनाए रखने के लिए छात्र को सलाह दी जाती है कि वह परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों और सभी छात्रों के साथ बहस करने जैसी किसी भी असामाजिक गतिविधि को खुद को शामिल ना करे, जो परीक्षा को सुचारू रूप से चलने में विचलित करता है। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आप उनसे फाइट करें या फिर कुछ ऐसे जो नहीं करनी चाहिए अनफेयर आप हरकतें करें, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। यदि परीक्षा केंद्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, अगर आपने कुछ भी एग्जामिनेशन सेंटर के कोई भी संपत्ति को आपने नुकसान पहुंचाया, तो उत्तर पुस्तिका प्रश्न पत्र को नष्ट करने और परीक्षा के दौरान परीक्षा के परिसर के भीतर किसी को भी किसी तरह का खतरा होने की स्थिति में छात्र दोषी पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय को सभी पाठ्यक्रमों का परिणाम रद्द करने का अधिकार है और छात्र के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो प्लीज़ ध्यान रखिए एग्जामिनेशन देने में आपको कितनी सावधानियां रखनी है। इग्नू परीक्षा केंद्र के परिसर में मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंध है। ऐसे छात्र मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के कब्जे में उपयोग के लिए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए आप मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप परीक्षा परिसर में सेंटर के अंदर आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लेके जा सकते। इम्प्रूवमेंट के मामले में छात्र की उम्मीदवारी को विश्वविद्यालय की भूमिका से रद्द कर दिया जाएगा, व्यक्ति को स्थानीय पुलिस स्टेशन को सौंप दिया जाएगा। तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हमारी इम्प्रूवमेंट कर दी जाए, तो ये सब सारी सुविधा आपसे ले ली जाएगी और आपको यहाँ पे पुलिस को सौंप दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, कुछ जो यहाँ पे अनफेयर मीन्स था यानी UMF आपको जाननी ज़रूरी है। नए नए नियम हैं, आपको फॉलो करने ही होंगे, वरना आपके लिए आपके जेल के दरवाजे ही खोल सकता है। आप ध्यान से रहें, कोई भी सारी ऐसी हरकतें ना करें। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी बात पता चली होगी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल मीडिया पे। थैंक यू सो मच।